मुबशिर आप क्या बने हो? मुबशिर आप क्या बने हो? क्या बने हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे इंशाल्लाह। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। वीडियो स्टार्ट हो गई है, आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। और आज ये हुआ कुछ यूँ है हमारे साथ के लास्ट नाइट में जी मैसेज आ गया था मैं कि हमारी तरफ जो है वो कल सुबह से 9 बजे से लेकर शाम तक मीन्स के 6-7 बजे तक जो है ना वो लाइट ऑफ रहेगी। पता नहीं क्या इशू था, उस वजह से इन्होंने कह दिया था कि लाइट ऑफ़ है। तो मैसेज आ गया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो जी बच्चों की जो है असेसमेंट स्टार्ट हो चुकी हैं तो इनको पढ़ा के ना तो फिर देखते हैं। फिर मैं गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी तो फिर मुझे सोचा बाजी के घर चली जाती हूँ, बच्चों को नहला के फ्रेश कर दिया था मैंने, मिराल के देखे बाल खुले हुए हैं। तो अब जा रही हूँ मैं बाजी के घर। गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा थी पिछले 2 दिनों में, तो कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है, तो आज जो है थोड़ा मौसम चेंज हुआ है। उसकी वीडियो कल तक डालूंगी मैं, तो अभी ये जो पहली की वीडियो है तो उसको ज़रा मैं डाल रही हूँ। तो अभी इसने सोचा था कि रात तक, क्योंकि अभी 2-3 घंटे की लोड शेडिंग होती है तो फिर आप जो है ना कि पता होता है ना कि आ जाएगी 2 घंटे या 3 घंटे आ जानी है, लेकिन ये तो पूरा दिन की बोली थी तो लाइट का जी जाएगी। तो फिर इसलिए हमने सोचा कि गर्मी शदीद है भागो, इसलिए अब जा रही हूँ बाजी के घर। आ गए इस तरफ, बाजी घर आ गई हूँ तो मैं अब लिफ्ट में जा रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो बच्चे भी हैं थोड़ा उनकी तरफ लाइट है, तो आजकल ये हो रहा है ना लाइटों का जी कुछ पता वता नहीं है, कभी कभी आ रही है कभी जा रही है, किस टाइम आ रही है किस टाइम जा रही है, कुछ भी जो है वो लाइटों का पता नहीं चल रहा। लोड शेडिंग कराची में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलें जी पहुंच गए हैं बाजी के घर और बड़ी खुशबू आ रही थी, मैंने कहा चेक करें बाजी ने क्या बनाया। बाजी ने बनाया था जी बीफ पुलाव, ना खुशबू आ रही थी इतनी ज़बरदस्त जो है ना बीफ पुलाव की जो है खुशबू आ रही थी। तो साथ में क्या बनाया वो दम दिया हुआ है, साथ में बनाया है यहाँ पे तंदूरी चिकन बनाया, हाँ तंदूरी चिकन है ये। और ये देखिए मुंह में पानी आ रहा है ना, आए मेरे फिर से आ रहे मुंह में पानी। तंदूरी चिकन बनाया हुआ था बाजी ने साथ में, क्योंकि वो कह रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था ना कि मुझे क्या बनाऊँ, सालन का बनाऊँ सालन बनाऊँ रोज़ का बनाना है तो समझ में नहीं आता। हर तरफ हर किसी का ये मसला, ये टेंशन होती है कि क्या पकाएँ क्या पकाएँ क्या पकाएँ, यही हर किसी की टेंशन होती है। तो उन्होंने पुलाव बना दिया था, बीफ पुलाव बनाया हुआ था और तंदूरी चिकन में साथ में बनाया हुआ था, वो ज़बरदस्त बना हुआ था। पुलाव बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था, खिला खिला हुआ वाइट वाइट सा और बिल्कुल टू मच टेस्टी बना हुआ था, यमी जिसे कहते हैं ना मुबशिर कहते हैं ना यमी टेस्टी, वही हिसाब था, ज़बरदस्त बना हुआ था, खिले खिले चावल बने हुए थे, बहुत अच्छा बना हुआ था। और जी अब ये स्मोक भी दे दी है इन्होंने उसको, देखें ज़रा कितनी अच्छी माशाल्लाह से लुक दिख रही है, ज़बरदस्त। मुँह में फिर से पानी आ रहा है, आपका भी आ रहा है ना। चलिए जी खाना वगैरह खा लिया था हमने, फिर टी टाइम हो गया था। देखिए ज़रा चाय बनाई थी मेरी भांजी ने, मेरी भांजी बहुत अच्छी चाय बनाती है, बहुत अच्छी बनाती है वो। पहले मैं अपनी पीती थी, पीती तो नहीं हूँ मैं चाय, मुझे नहीं पसंद, लेकिन मेरी कज़न अच्छी बनाती थी, कभी कभी पी लेती थी उसकी। तो अब मेरी भांजी वैसे बनाने लग गई है, तो ज़बरदस्त बनाई थी उसने भी चाय, तो बहुत अच्छी बनाती है। तो सब जब भी जाते हैं ना भांजी के घर तो सब लोग फरमाइश करते हैं कि भांजी की याद की चाय पीनी है, सब लोग फरमाइश करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी चाय बनाती है। तो बच्चों ने जी अपना, उन्होंने अपना पार्टी टाइम एंजॉय कर लिया, अपने बर्गर वगैरह मंगा ऑर्डर कर लिए थे। ये जो आजकल ऑर्डर का सिस्टम निकला हुआ है ना, तो इन्होंने भी बड़ा बंदे को ख़राब किया हुआ है, क्योंकि अगर कभी सहूलत भी तो है, सहूलत की सहूलत है, फैसिलिटी है, लेकिन बच्चे भी बड़े ख़राब हुए हैं। अब मीन्स कि अगर बंदा पहले किसी को कहता है ना कि जाओ मुझे कुछ ला दो बाहर से कुछ ला दो, लेकिन अब जैसे कहते हैं ना वक्त जदीद दौर आता जा रहा है, घर बैठे बिठाए सब कुछ ऑर्डर कर दो, तो उसी हिसाब से कहते हैं ना हर भी ज़्यादा हो रही है। सर जी ऑर्डर तो हो जाता है, मिल तो जाता है, आ तो जाता है, अभी ऑर्डर करेंगे कुछ भी ऑर्डर करो 15-20 मिनट में डिलीवरी हो जाती है। तो यही हाल हुआ है, तो बच्चों का भी यही हाल हुआ है। तो इन्होंने अपने ऑर्डर किए हुए थे बर्गर वगैरह, तो मैं देखने आ गई थी, मैंने कहा ज़रा चेक तो किया जाए कि क्या क्या है साथ में। अच्छा मैंने कहा ये टेंडर पॉप्स वगैरह आए हुए थे, बर्गर थे साथ में, चलो मैंने कहा एंजॉय करो। उससे पहले मैंने ज़रा डिश देखी, ज़रा बाजी की हमारी डिश तो चेक करें, बड़ी हरी भरी ग्रीन ग्रीन सी, और कैंडल लाइट डिनर होता ना इनकी, कैंडल लाइट डिश थी बड़ी अच्छी लग रही थी। तो इनकी भी बड़ी मुझे ना ग्रीन ग्रीन सी वीडियो अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो आ जाओ चाय भी इधर ले आओ और पूछ लूँगी बच्चों से, क्योंकि मैं तो कम पीती हूँ, नहीं पीती इतनी चाय मैं तो कभी शौकिया कहते हैं ना अच्छी बनी हो, तो शौकिया बांजी की हाथ की कभी पीली पीली।
चले जी, अब जा रही थी मैं घर वापस, लिफ्ट में जो है आने में वो ऊपर जा रही थी लिफ्ट, मैंने कहा कौन इतनी देर लिफ्ट का वेट करे, जा रही जबकि ऑन थी पर ऊपर जा रही थी। तो फिर मैंने स्टेयर से मैंने कहा चलें जी बस स्टेयर चलते हैं हम। तो ये होता कि यार बच्चे भी खुश हो के जा रहे थे, इनकी देखें लाइट है इनकी जगमग जगमग लाइट। तो मैंने भी फ़ोन करके पता किया था, तो कह रहे थे कि लाइट जी है हमारी अपार्टमेंट में जो है लाइट आ गई है। तो मैंने सोचा जी चलें जी अब घर चलते हैं वापस अपने घर, क्योंकि मुझे बड़ी वो होती है इरीटेशन होती है ना कि बस बैठी हूँ बस घर जाऊँ घर जाऊँ घर जाऊँ, क्योंकि आपको जब घर रहने की मोस्टली आदत हो जाती है ना तो फिर कहीं जाने का दिल नहीं करता, और कहीं जाते हैं ना तो आपको बेचैनी हो जाती है। चलें जी घर पहुँच गई थी मैं अल्हम्दुलिल्लाह से, और आई हुई थी खीर, खीर आई हुई थी ये कराची की, मैं कहती हूँ वन ऑफ दी बेस्ट कराची की प्लस फेमस खीर है, ऐसी खीर कहीं है नहीं। मुझे जो है ना वो मुल्तान की जो है वो खीर पसंद है, क्योंकि वहाँ अच्छी बनती है और अच्छा टेस्ट होता है उसका। लेकिन कराची में अगर आप मीन्स के बेकरी से कोई और से मंगाएंगे ना तो वाइट वाइट सी होती, सही पकी भी नहीं होती। तो ये जो मुझे खीर है जो पसंद है, ये मैं कब से फरमाइश कर रही थी मैं इनके बाबा से कि मुझे ला दे, मेरा बड़ा दिल कर रहा है खाने को। ये है जी उधर जुबली वाली साइड की है खीर, तो सदर की तरफ जो पड़ता है वहाँ की आप कराची की खाएँ, मशहूर है वहाँ की खीर, पूरे कराची में ऐसी खीर नहीं है, वहाँ की मशहूर है खीर, इतनी ज़बरदस्त होती है। आप ज़रा पहले जो है ना इसकी ज़रा इसको आँखों से खाएँ, आँखों से देखें ज़रा इसका नज़ारा करें, कितना अच्छा कलर है माशाल्लाह, कलर देखिए कितना ज़बरदस्त है। जितना अच्छा इसका कलर है ना उतनी ही ज़्यादा ये खाने में भी बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टफुल है, बहुत टेस्टफुल है। मंगाएं ट्राई करके, अगर खाई है, अगर आपने खाई भी है तो दोबारा मंगा के खाएं, अगर नहीं खाई भी तो इसको वहाँ जा के भी खा सकते हैं आप, घर में ऑर्डर मंगवा लें लेकिन बहुत दूर है, लेकिन किसी को भेज के मंगवा लें। तो अगर नहीं खाई भी तो मंगवा के खाएँ, अगर खाई तो दोबारा खा लें, मेरे कहने पर दोबारा खा रहे। बड़ी ज़बरदस्त खीर है, बहुत ज़बरदस्त है, मैं कहती हूँ मैंने खा ली थी पर मेरे ना इसको देख के ना दोबारा, जिसे कहते हैं ना दोबारा दोबारा मुँह बनी रहा मीठा, क्योंकि मैं इतना शौक़ से खाती नहीं हूँ, मुझे इतना मीठा कम पसंद है, ज़्यादा नहीं पसंद मुझे, कि जैसे होते हैं ना लोग मीठे के शौकीन होते हैं बहुत ही मीठा खाना है खाना खाना है, नहीं मुझे वैसे पसंद नहीं है, लेकिन ना कम खाती हूँ। लेकिन ये खीर ऐसी थी कि मुझे इतना ज़बरदस्त लग रही थी कि मेरा दिल कर रहा था कि बस बार बार थोड़ी सी मैं थोड़ी क्वांटिटी में लेके खा रही थी, फिर बच्चे भी आ रहे थे फिर मैं उनको भी खिला रही थी, फिर बाद में फिर मैं रख दूँ फिर मैं कहूँ कि बस बस हो गया मुझे और नहीं खानी, लेकिन फिर मेरा बार बार अगेन एंड अगेन खाने को दिल कर रहा था। वो कहते हैं ना वो क्या आती थी कमर्शल कि एक बार खाओ बार बार खाओ। तो वही हाल है इस खीर का भी, वही हाल है। ये देखिए चलें जी आप भी मुँह खोलिया मैं आपको खिलाने लगी हूँ। ये देखिए फुल भर के चम्मच खिला रही हूँ, फिर ना क्या ना मैंने गज्जू सीखी है। ये देखिए जी अब जी बच्चे भी आए हैं, बच्चे भी मेरे जो हैं वो शौक से खा रहे थे, कहते हैं मम्मी और भी डाल दें और भी डाल दें, मैं भी बस बैठ गई थी हंसते। चलें जी अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा लाइक करने में जनाब, ये मेहनत होती है हमारी, तो इस मेहनत में ना थोड़ी आप भी कंजूसी मत दिखाया करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।